तो हैच के अंदर एक काफी यूनिक अपडेट है। इससे पहले वर्जन में मैंने ये ऑप्शन एआई की हेल्प से यानी कि एआई टूल जैसा ये काम करेगा एआई चैटबॉट की तरह, और जितने भी ऑब्जेक्ट सिमिलर ऑब्जेक्ट होंगे ये इन सबको सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद सी अब इसने ये फाइंड आउट कर लिया है, अब ये 7 सेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर रहा है और 13 सेंटेंसेस इसने फॉर्म किए। कर सकते हो कि आप फील्ड हैच अपने तरफ से क्रिएट कर सकते हो फ्री हैंड। अब आपको ना तो कोई एरिया डिफाइन करने की जरूरत ना ही कुछ और करने की। सो फाइनली ऑटोकैड का 2025 वर्जन आ चुका है। सीरियसली अपडेट्स काफी नए हैं, मतलब नंबर वाइज ज्यादा अपडेट्स नहीं है, लेकिन जितने भी आए हैं चाहे वो ब्लॉक को लेकर हो, हैच को लेकर के हो, चाहे वो ऑटोकैड का एआई के अंदर इन्वॉल्वमेंट होना, मतलब एआई जो है वो ऑटोकैड में आ चुका है जी है। तो इतने सारे यूनिक अपडेट्स आए हैं और कैसे आप इनका यूज कर सकते हैं इनटू योर प्रोजेक्ट्स, अगर आप ऑटोकैड पर कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो ये कैसे बेनिफिशियरी हो सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यूनिक अपडेट है और अगर आप इन्हें डिस्को देख लेंगे तो आपका रिएक्शन यही आएगा, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। देर किस बात की, जानते हैं इन अपडेट्स को बहुत ही डिटेल में। सो मोबाइल को फिल स्क्रीन कर लीजिए, सो तैयार हो जाइए इस वीडियो को पूरा देखने। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स रोल द इंट्रो एंड गेट स्टार्टेड। अपडेट नंबर वन, बी कन्वर्ट एक नई कमांड आई है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, स्मार्ट ब्लॉक्स बना सकते हो। एक तरीके से एक ऐसा फीचर है जिसमें आपका जो ऑटोकैड के अंदर एआई जो है डिपार्टमेंट है वो एक्टिवेट हो चुका है, कहने मतलब ये है। उसकी वजह से होता क्या है कि मान लीजिए आपने एक जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स बना रखे हैं और उनको ये क्या करेगा, ब्लॉक में कन्वर्ट कर देगा। अब आप कहोगे कि ये कैसे, मैं ज़रा करके दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल चीज़ें होंगी तो ज़्यादा समझ में। देखिए लेट्स से मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल शेप ले लेते हैं और मैं इसे एक डाइनिंग टेबल बना देता हूँ। ओके, ओके ठीक है। अब आप कहोगे कि सर इतनी मेहनत हमने कर ली है तो इससे तो हम ब्लॉक ही बना देते हैं इसको, पर आप देखते जाओ। लेट्स से अगर मुझे इन सबको क्या करना है, ब्लॉक में कन्वर्ट करना है, लेकिन एक साथ कन्वर्ट करना है, जितने भी मेरे को ये चीज़ दिख रहे हैं सभी सिमिलर साइज के हैं, मुझे क्या करना है इनको ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। तो हम जनरली क्या करते हैं, बी एंटर करते हैं और फिर जाके कन्वर्ट करते हैं। मैं यहाँ पे कमांड लगाऊंगा बी कन्वर्ट, ठीक है, बी कन्वर्ट कमांड लगाएंगे। ओके, आपको करना कुछ नहीं है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है, एंटर करना है और जितने भी ऑब्जेक्ट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होंगे ये इन सबको सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सोर्सेस ऑब्जेक्ट ओनली पूछेगा या फिर नहीं, आपको कुछ नहीं करना, जस्ट प्रेस एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एग्जिस्टिंग ब्लॉक को यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, जो भी आप नया ब्लॉक बना रखा है वो दिख जाएगा, या फिर आपको नया ब्लॉक बनाना है। लेट से मुझे नया ब्लॉक बनाना है तो मैं नया ब्लॉक बना सकता हूँ यहाँ पे। लेट से मैंने रखा डाइनिंग चेयर, ओके, डाइनिंग चेयर के नाम से रखा। फिर यहाँ से आप पॉइंट बता सकते हो कि इसका जो बेस पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, लेट से मुझे पीछे डिफाइन करना है। ओके, ये हमारा बेस पॉइंट आ गया एंड नाउ लेट जस्ट हिट ऑन कन्वर्ट। तब आप देखोगे ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अब जैसे मैं अगर आई एंटर प्रेस करूँगा, लेट से आई एंटर प्रेस किया मैंने, तो देखिए ब्लॉक में कुछ ऐसा आ जाएगा ये, ठीक है, ये सारे ब्लॉक ऑलरेडी बन चुके। तो मतलब ये एक बहुत ही कमाल का ऑप्शन है कि आपके सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं ये इन सबको एक साथ ब्लॉक में कन्वर्ट कर देता है। तो इट्स ए वेरी यूनिक ऑप्शन, ये था आपका बी कन्वर्ट। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अपडेट नंबर टू, डिटेक्शन का काम क्या है, बेसिकली ये जितने भी आपके अंदर ब्लॉक्स बनने के पोटेंशियल हैं उनको देखता है। अब आपको होगी सब ब्लॉक्स बनने के पोटेंशियल से मतलब ये कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो ब्लॉक बन सकते हैं या फिर उनके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो बाकी ब्लॉक से मेल खाते हैं, उसको ये डिटेक्ट करता है और वहाँ से आप उसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे काम करता है ज़रा देख, तो देखिए यहाँ पे आप आके देखोगे तो यहाँ पे आपको डिटेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अब जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये तुरंत डिटेक्ट करने लग जाएगा। ठीक है, अब ये डिटेक्शन थोड़ी देर के लिए चलेगा, थोड़ा सा लंबा टाइम लेगा ये, बट हो जाएगा। और ये सर्च किसके हेल्प से करता है, आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ऑटोडेस्क का एआई वर्जन आया अभी उसके हेल्प से डिटेक्शन करता है। ठीक है,
जस्ट वेट फॉर इट. सी अब इसने ये फाइंड आउट कर लिया है. अब ये 7 सेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर रहा है और 13 इंस्टेंसेस इसने फाउंड किए. अब जरा रिव्यू कर लेते हैं. तो रिव्यू पे जब आप क्लिक करोगे तो देखिए, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो सिमिलर ऑब्जेक्ट है जो इसके साइज के बने हुए हैं, ये उन्हें आइडेंटिफाई कर रहा है. अब देखिए इन सब का साइज, ये देखिए यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये देखिए ये सिमिलर सबके सब ऑब्जेक्ट हैं, ये देखिए, ओके, कुछ इनमें से ब्लॉक्स हैं, ये देखो, ओके. लेट्स से मैं शिफ्ट करता हूँ तो देखिए ये हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट आ रहा है. ऐसे ही ये देखिए मैं शिफ्ट कर रहा हूँ तो देखिए इसके अलावा, ओके, मतलब इतने इंस्टेंसेज हैं और इसमें इसने इतने ऑब्जेक्ट्स फाइंड आउट किए हैं और ये सब हाईलाइट कर रहा है अलग से, ओके, आप देख सकते हो, ठीक है. लेट्स से मुझे एक ब्लॉक को यहाँ पे कन्वर्ट करना है, ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्ट करके कन्वर्ट कर सकते हो. कन्वर्ट कैसे करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आप चाहो तो कोई एग्जिस्टिंग ब्लॉक यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो जो यहाँ पे दिया हुआ है. लेट्स से मुझे डोर का ही करना है, एग्जिस्टिंग ब्लॉक में ही कुछ कन्वर्ट करना है तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है. रिप्लेस करना है एक्सेप्ट में या मूव करना है, रोटेट करना है, स्केल करना है, लेट्स से ये एक्सपेक्ट करना है तो ये हो जाएगा, ठीक है, ओके. तो मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ. या फिर आप क्या कर सकते हो, एक नया ब्लॉक बना सकते हो. लेट्स से मैंने नाम दे दिया न्यू डोर, ठीक है, ओके, एंड कन्वर्ट कर दिया. एंड इस प्रकार से आपका एक ब्लॉक यहाँ पर बन चुका है, ठीक है. तो ये था बेसिकली आपका डिटेक्शन, ठीक है. तो डिटेक्शन कुछ इस प्रकार से काम करता है, ओके. तो ये था हमारा डिटेक्शन ऑप्शन. अब बढ़ते अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ. अपडेट नंबर 3, ऑटोडेस्क असिस्टेंट. बेसिकली ये अपडेट तो पहले भी आ गया था, इतना कोई उसमें कुछ नया चेंजेस तो नहीं आया है, लेकिन ये अपडेट बहुत यूनिक है क्योंकि इसको एक तरीके से आप ऑटोकैड का चैट जीपीटी तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक तरीके से एआई चैटबॉट जैसा कुछ कह सकते हैं, ठीक है. तो बेसिकली आप इससे वार्तालाप कर सकते हो, जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है वो क्वेश्चन कर सकते हो. अब ये मिलेगा कहाँ पे, यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज योर ऑटोडेस्क असिस्टेंट, ओके. क्लिक करोगे इसके ऊपर तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा ओपन करने के लिए. ये देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ ऐसे करके आ रहा है और एक तरीके से चैटबॉट की तरह काम करेगा, ओके. तो इसने मेरा पहले तो नाम लिया है, हाय रजत, आई सी यू नीड योर हेल्प, तो आई यूज AI टू रिकमेंड solutions and can connect you to the further support if you need. This technology is in preview, which means that it's new and evolving. Please leave feedback to inform. मतलब जो भी है basically आप इसको कह सकते हो sort of chat GPT, मैं chat GPT नहीं बोलूँगा लेकिन AI chatbot कह सकते हो, ठीक है. लेट्स से मुझे यहाँ पे जानना है कि AutoCAD के अंदर क्या क्या नए अपडेट्स आए, ठीक है. तो मैं पूछना चाहता हूँ what are the न्यू अपडेट्स इन AutoCAD 2025, ठीक है, 2025 में क्या अपडेट आया, तो देखिए हमारे पास क्या जवाब आता है. तो ये देखिए इसने अपने आप बता दिया कि क्या क्या अपडेट आया, एक्टिविटी इनसाइट्स, बेसिकली मार्क इम्पोर्ट असिस्ट, स्मार्ट ब्लॉक फीचर, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, हैच इम्प्रूवमेंट्स, 5 न्यू एरिस मैप फॉर जियोग्राफिकल लोकेशंस, ठीक है, अपडेट ट्रेसिंग, ओके, कुछ अपडेट ट्रेसिंग में अपडेट्स हुए हैं. तो मतलब ये सारे कुछ नए अपडेट्स आए हैं, ठीक है, तो कुछ छोटे मोटे, ओके, और कुछ मेनली बड़े हैं. मेनली जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, बड़े वाले जो हैं, जैसे कि इसमें बात करें हैचिंग की जो अपडेट आया है, ठीक है. तो बेसिकली ये एक तरीके से चैट बॉट की तरह काम करता है, आप इस प्रकार से कर सकते हो, ठीक है. तो आपको कोई भी चीज़ जानकारी आपको लेनी है तो ये AI की हेल्प से, यानी कि AI टूल जैसा ये काम करेगा, AI चैट बॉट की तरह, और यहाँ से आप जो भी है आपको जानकारी वगैरह लेनी है ले सकते. So this was about the Autodesk Assistant AI. अब बढ़ते अपने next update की तरफ. Update number 4, Hatch. Hatch में अभी ये नया update क्या है, basically आप क्या कर सकते हो, let's say आपके पास कोई open area है, ठीक है, मैं इस open area में मुझे hatch करना चाहता हूँ और करना है, ठीक है. तो पहले तो आप मुझे ये कहोगे कि यहाँ पे पहले तो कोई shape बनानी पड़ेगी, लेकिन मैं कहूँगा कि बगैर shape के बात कर, basically क्या है कि मेरे को open area में hatch करना है. अब पहले अगर मैं ये बात आपको 2024 वर्जन में या बाकी पुराने वर्जन में क्या करने को गया था तो शायद आप कहते कि क्या बोला तूने, लेकिन इस वर्जन में हो सकता है. कैसे मैं बताता हूँ. एच एंटर प्रेस करना है आपको और यहाँ पे आना है आपको ड्रॉ के सेक्शन, ठीक है. ड्रॉ के सेक्शन में यहाँ पे आएंगे और यहाँ से मैं आ जाता हूँ वोट्स के अंदर. वोट्स के अंदर आपको आना है एरिया के अंदर, ठीक है. तो आप जब यहाँ से शेप बनाने लगोगे तो देखो ये ऑटोमेटिकली एक शेप बना के हैच कर देता है. मतलब मैं ओपनली अब हैच कर सकता हूँ, ठीक है, मेरे पास पूरी शूट है, ठीक है. लेट्स से मुझे सर्कुलर हैच करना है तो मैं सर्कल हैच कर सकता हूँ,
ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि आप फिल्ड हैच अपने तरफ से क्रिएट कर सकते हो फ्री हैंड। अब आपको ना तो कोई एरिया डिफाइन करने की जरूरत ना ही कुछ और करने की जरूरत, ठीक है। ओके, ऐसे ही और भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, आप चाहो तो पाथ के अनुसार भी हैच कर सकते हो। लेट्स से यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने वॉल्स बनाई हुई, लेट्स से मुझे वॉल के अंदर कुछ हैचिंग करनी है, तो एच एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है, मोड पे आ जाएंगे और पाथ सेलेक्ट करने, ठीक है। और पाथ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप हैच का जो है वो बता सकते हो कि स्केलिंग कितनी करनी है लेट्स से, ठीक है। और यहाँ से आप क्लिक करके ये देखिए हैच का पाथ आ रहा है इस तरह से, ठीक है, ये आप कर सकते हो। अब आपको कि सर ये थिकनेस कैसे है, तो यहाँ पे आप विड्थ बता सकते हो कि आपको कितनी विड्थ चाहिए। अभी 9 इंचेस पे सेट है तो 9 इंच के अनुसार हो रहा है। ऐसे ही मैं इसका स्केल बढ़ाना चाहता हूँ तो स्केल बढ़ा के मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ये देखिए मेरे पास हैच आ रहा है, ठीक है। ऐसे मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, एंटर करी, ठीक है। अभी देखिए ये हैच अलग आ रहा है, ये हैच अलग आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरे को थोड़ा और अच्छे से करना है, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि इसका स्केल थोड़ा और अच्छे से सेट हो जाए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इस प्रकार से हैच कर सकता हूँ। ये देखिए पाथ वाइज यहाँ पे हम कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब मैं लगातार नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी कॉलम मैंने कर रखा है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। बट ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए कुछ ऐसे, ठीक है, मतलब आप पाथ के अनुसार इस प्रकार से चल के कर सकते, ठीक है। आप चाहो तो उसको ऊपर से ले जाओ, वैसे मैं बस ये डायरेक्ट करने के लिए समझा रहा हूँ, ओके, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ओके। लेकिन यू कैन सी दैट हाउ वी आर यूजिंग द हैच, ठीक है, ओके। बेसिकली यहाँ पे हम पाथ के अनुसार हैच कर सकते हैं, थिकनेस बता सकते हैं कि आपको कैसे हैच करना है, ठीक है। तो ये आपके पास पूरा मॉडिफिकेशन का ऑप्शन अवेलेबल है व्हेन यू आर वर्किंग विद द ऑटोकैड का जो लेटेस्ट वर्जन है वो आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हैच के अंदर ये काफ़ी यूनिक अपडेट है, मतलब इससे पहले वर्जन्स में मैंने ये ऑप्शन कभी नहीं देखा, और मेरे ख्याल से अब ड्राइंग बनाना और भी आसान हो गया, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा हैच के ऊपर अपडेट, अब बढ़ते अपने पांचवे अपडेट की तरफ। सो गाइज अब आता है नेक्स्ट अपडेट, दैट इज मगर इंपोर्ट बाय ऑटोडेस्क स्टॉक्स। बेसिकली ये अपडेट आया है एट द कंपनी लेवल। बेसिकली जब भी कभी आप प्रोजेक्ट पे ऊपर काम करते हो तो वहाँ पे हमारे पास काफ़ी अलग अलग मार्कअप्स होते हैं, हर प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग हाईलाइट्स होते हैं, तो हम उनको PDF के थ्रू इंपोर्ट करके डाउनलोड करके करते हैं जनरली, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके करूँ या डायरेक्टली मुझे वो चीज़ करनी है, तो आप इस मार्कर इंपोर्ट के थ्रू कर सकते हो। बेसिकली इसमें काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं, आप वहाँ पे रिव्यू कर सकते हो, वहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। तो ये एक नया अपडेट आया है जिसके अंदर आपको ऑटोकैड के बाहर ना जा करके आप उसी में ही अपडेट कर लो। बेसिकली ये डायरेक्टली आपके वेबसाइट से कनेक्ट होता है, डायरेक्टली जब आप कोलैबोरेशन पे काम कर रहे होते हो, जो कंपनी लेवल पे काम होता है, वहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर जाता है आपके ऑफिशियल BIM 360 वेबसाइट से। तो वहाँ से जो भी आपको अपग्रेड करना होता है वो वहीं से कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको इसमें फीचर मिलता है, ना सिर्फ ये फीचर मिलता है बल्कि आप लेआउट के ऊपर भी काम कर सकते हो। तो दैट वॉज अबाउट द मार्केम इम्पोर्ट्स। सो गाइज ये था हमारा मार्केम इम्पोर्ट्स बाय ऑटोडेस्क स्टॉक्स, बढ़ते अपने फाइनल कंक्लूजन की। सो गाइज ये था अबाउट द एंटायर वीडियो ऑन द ऑटोकैड अपडेट। मैं जानता हूँ कि अपडेट्स के नंबर ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, लेकिन जितने भी आपने अभी तक अपडेट देखे हैं उन सब में यूनिक बात यह है कि आप ऑटोकैड में अब और अच्छे से फ्रीडम आ गई है आपको काम करने की, मतलब आपके पास और कुछ नए फीचर्स आ गए हैं जिसकी वजह से आपका ड्राइंग बनाने का जो वर्क एक्सपीरियंस है वो एनहेंस हो चुका है, वर्केबिलिटी काफ़ी अच्छी हो गई है पहले से ज़्यादा, ठीक है। तो जैसे जैसे नए नए अपडेट्स आते जाएंगे हम और ऐसी वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आप कौन से अपडेट पे चाहते हो, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। हम जल्दी एक और नया अपडेट के ऊपर वीडियो लाने वाले हैं, गेस करना कि नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर होने वाला है। बाकी आप लोग अपने सजेशन दे सकते हैं तो हम इसके ऊपर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऑटोकैड को अपने हिसाब से अपडेट करूँ, लेट से मैं ऑटोकैड में और अपग्रेड होना चाहता हूँ, तो यू कैन चेक आउट अवर कोर्स ऑन PTS CAD Expert App, जहाँ पे आपको ऑटोकैड फॉर बिगिनर्स का कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जहाँ पे आप सीख सकते हैं कैसे आपको ड्राइंग बनानी है, कैसे आपको बेसिक लेवल पे काम करना है, वो सब वहाँ पे जाके आप सीख सकते हो। बहुत सारी आपको चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी, इनफैक्ट जब आप कोर्स कंप्लीट करेंगे आपको ATC एंड ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो देर किस बात की, यू कैन चेक आउट द कोर्स, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो दैट वाज अबाउट द एंटायर वीडियो, और कैसा आपको लगा ये वीडियो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका फेवरेट अपडेट कौन सा रहा इस पूरी वीडियो में, ज़रा बताइए कौन सा आपका फेवरेट था। मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, कमेंट सेक्शन में बता दूंगा मैं, बाय द वे।
लेकिन आपका कौन सा अपडेट है लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और जब आप हमें सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो मैं और मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही। दिस इज अर्थ फॉसिलिया सेइंग गुड बाय एंड टेक केयर फ्रॉम पीटर्स कैप्सपर। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वन।